वहीं जिले के नब्बो थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से किसानों के साथ मारपीट परेशान करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर परतुआ गांव के पास लहार एसडीओ अवनीश बंसल और स्थानीय थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां बदमाशों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और खुद को घिरा देख बदमाशों ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो बदमाशों ने अपने हथियार कुएं में फेंक दिए। इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। देखिए, इसमें पुलिस को संबंधित थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोग हथियार से लैस होकर दबो थाना क्षेत्र का गांव है, वहां पे उनकी घूमने की सूचना मिली थी। तो उसमें कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी अपने बल के साथ जब संबंधित स्थल पर पहुंचे तो वहां पर जो व्यक्ति थे उनके उनको पेश होने के लिए बताया गया। तो उन्होंने अपना जिसका खेत पे बने कमरे में वो लोग थे उसमें उनका दरवाजा लगा लिया।